उतरौला तहसील में लाइनमैन की दर्दनाक मौत। ग्राम सभा गड़ास बुजुर्ग में फतेह मोहम्मद उर्फ फतेह का ड्यूटी के दौरान मौत हो गया। वही मृतक के परिजन जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में लगातार लाइन मैनों की मौत होती रही है। इसे हादसा कहें, लापरवाही या साजिशन एक हत्या। इस घटना के बाद जब हमारे नामा निगार वहां पहुंचे तो लोगों में एक तरह की चर्चा थी। लोग वहां ये बता रहे थे कि ये एक तरह की साजिशन हत्या है। कंट्रोल रूम में ये भी बता दिया गया था कि यहां काम चल रहा है तो फिर सप्लाई कैसे ऑन की गई। तो इस तरह के मामले यहां पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में कि लोगों ने क्या कहा। साढ़े चार बार बजे आए थे लाइट जोड़ने, यहाँ वो सीट डाउन लिए, अब वो ऊपर चढ़े दीकार के चप्पल ऊपर, वहाँ से लाइट लगा दिए, वो ऊपर ही ख़त्म हो गए। आज के 6-7 महीना पहले यहाँ का लाइट टूट गया था, तो उनका प्रवेश नाम है जी का, क्या नाम है उनके, एक भतीजा है कोई है, वो नीतीश नमा है, नीतीश नाम है उनका। वो यहीं भरतापुर के कई आदमी के सामने भी कहे थे कि हम कहीं किसी दिन फत्ते को लटका देंगे कार पे, अब आज वही कर डाले। तो शट डाउन का एक प्रकरण होता है, शट डाउन जब तक जो लाइनमैन है जब तक वो उनको सिग्नल नहीं देता है, कॉल करके बताता नहीं है तब तक लाइन, तब तक लाइन नहीं चालू होता है, लेकिन बीच में ही लाइन चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं मिली जुली भगत लग रही है। हाँ, कहीं मिली जुली भगत है, ये सब एक साजिश। हाँ, ये साजिश है सब। तो अब तक कोई अधिकारी संज्ञान अभी तक कोई नहीं। बिजली विभाग वाले फोन ही नहीं उठा रहे हैं सर। उतरौला के इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो कई बार और सब लोग फोन लगाए, कोई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हमारे पापा के जनवाले लेंदा क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हमारे पापा से जैया आज संविदा करने थे। कितने बजे की घटना है ये? ये लमसम 3-4 बजे के बीच में हुआ है। तो लाइन इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था? नहीं, चालू था सर। तो जो सिट डाउन लेकर करते हैं, तो सिट डाउन लिए हुए रहे होंगे तो उन लोग जान के जान लेने के पाए लगा दिए होंगे। वैसे ही जी और जी के भूख लड़का हमेशा धमकी देते थे, डरवाते थे रात। किस तरह की धमकी? तुम नहीं आओगे, नहीं काम करोगे तो तुम कैसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। पप्पा भी गुस्साते थे कभी कभी। और फिर एक बार हुआ भी जल्दी लॉकडाउन के बाद में, उसके बाद में भी हमारे बाप को झूठ फूट कह रहे थे कि तुम उधर लेते हो, घूस लेते हो तो क्या लेते हो, अपना लूट लूट कर पैसा रखे हैं, अपना लूटते थे तो पप्पा सही कहते थे तो उनको बुरा लगता था, इसलिए नौकरी भी ले लिए थे एक बार बीच में, छुड़ा दिए थे। उसके बाद विभाग का अभी कोई अधिकारी आया ही नहीं है बेटा, अभी कोई नहीं आया। वो लोग तो जान कर भी जान ले ना, तो आएंगे तो कैसे आएंगे, वो बिजली विभाग का लोग कैसे आएंगे। वो जे खुद जिम्मेदार है, जे का बुआ का लड़का जिम्मेदार है, उसने खुद जान लिया। जे का क्या नाम है? नीतीश परवेज है कि क्या है क्या मालूम नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। ऐसा ऐसा करके डेली झगड़ा धमके आते हैं, डेली झगड़ा करते थे, रोज डेली का डेली, रोज का रोज कहीं का ट्रांसफार्म भी डालते हैं तब भी मेरे बाप के ऊपर इंजाम डाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गड़ास बुजुर्ग में, आप देख रहे हैं ये जो रश यहाँ पे दिखाई दे रही है रात के इस अंधेरे में, यहाँ पे जो ये अचानक से जो ये हादसा हुआ है, इसमें बिजली विभाग की एक शर्मनाक बात सामने ये आई है कि अभी तक कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है और कोई अभी तक इसको संज्ञान में नहीं लिया है। मतलब इन लोगों के लिए ऐसा है कि किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं है, कोई मरता है तो मरता रहे, ये अपना बैठ के मज़े करेंगे। अब यहाँ पे जो भीड़ दिखी हुई है बड़ी आक्रोशित लग रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो समाज सेवी भी आई है, कुछ ऐसे ही लोगों से हम मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर एहसान जो समाजवादी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, इनको पता चल गया ये यहाँ पहुँच गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं ये अब तक कहीं मौज कर रहे हैं या फिर कहीं बैठे हुए हैं, इनको अभी तक सुध नहीं लगी है कि ये आके यहाँ पे जान लें कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। भाई साहब थोड़ा सा पॉज कीजिए, तो भैया ऐसा सब क्या हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली? बहुत सारे लोग मौजूद हैं आज, एक किसी की जान चली गई, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप क्या हुआ है? फत्ते भाई जो है हम लोगों के बहुत करीबियों में से थे, आज से संबंध है, बहुत पुराने संबंध थे हमारे, और ये हादसा सुन के बिल्कुल दिल दहल गया। जैसे ही पता चला हम लोग उतरौला से भाग के आए, वो संविदा पे लाइनमैन थे, उसी में कार्य करते थे, बहुत गरीब परिवार के थे,
और हम लोगों से बहुत वर्षों से पुराने संबंध थे। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत शरीफ था, बिल्कुल दिल दहल गया, बिल्कुल बड़ी तकलीफ है। क्या एज रही होगी? मुझे लग रहा है कि 40 साल नियर अबाउट रही होगी उनकी उम्र। तो बच्चे वगैरह भी होंगे उनके? जी, उनके बच्चे, उनका बेटा भी है, बेटियां हैं, उनका परिवार है, उनके तो भाई के लोगों ने विद्युत विभाग के कर्म अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया? नहीं, मैंने खुद बात किया है जेई से और सारे लोगों से वहाँ से, लेकिन बस उन लोगों ने आश्वासन दिया मैं पहुँच रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मौके पे इंस्पेक्टर साहब हैं, तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, लाश को अभी बॉडी को उतरवाया गया है, नीचे यहाँ पर रखवा दिया गया है। बाकी अब ये था कि प्रशासन आता थोड़ा सा, कम से कम उनके जो विभागीय था, विभाग के लोग आते, परिवार को कम से कम एक उनके सुख दुख में उनके हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन अभी कोई विभाग का न्याय नहीं। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, अगर ये संविदा कर्मी थे, लाइनमैन थे, तो उसका एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है कि अगर कहीं लाइन को जोड़ना या काटना हो, कुछ भी करना हो, तो पावर हाउस पे कॉल करके शटडाउन लिया जाता है। और जब तक ये लाइन जोड़ नहीं दी जाती है, तब तक शटडाउन वापस नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके पहले कैसे ये लाइन आ गई वहाँ पे? अब वही तो एक जाँच की एक विषय है कि मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी। भाई इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी? उसने सिट डाउन लिया होगा, फिर वहाँ से अचानक बिजली कैसे ऑन कर दी गई कि मतलब जो है ये, तो इसका मतलब जो है इसके इनके विभाग में कोई जान का कोई मतलब ही नहीं। कि अगर जिस ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई साजिश हो? अब वो तो एक जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मसला है इसके पीछे। श्रीमान जी, मैं तुरंत पहुँचाऊँ 10 मिनट बाद, तो पता ये चला हमको कि शट डाउन लेके वो काम कर रहा था लाइन पर, और उसके बाद अधिकारियों की लापरवाही से जो भी ड्यूटी पे रहा हो, जिसने जो है लाइन चालू कर दिया, बेचारे के साथ हादसा हो गया, और लगभग 2-2.5 घंटे तो हो ही गए होंगे, अभी तक कोई विभागीय न कर्मचारी न अधिकारी न कोई आश्वासन न कोई सांत्वना। और ये पहली घटना नहीं क्षेत्र की, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीसरी घटना लगभग है। एक सुपुल था जिसका अभी 2 साल पहले नगर में हुआ, यही घटना हुई। एक आपके चमरूपुर में एक घटना हुई लाइन मैन के साथ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ़ कि क्यों ऐसी लापरवाहियाँ होती हैं, लोग जिंदगियों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके साथ बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, जो भी इसका दोषी उसको जेल जाना चाहिए, और उसके परिवार को सरकार या बिजली विभाग से जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि उसका परिवार बहुत गरीब है, भरण पोषण उसका चल सके, बस हम ये चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उतरौला विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार धीरू सिंह। आइए इनसे भी जानते हैं कि इस विद्युत विभाग की इस लापरवाही पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी धीरू जी, बताएं क्या आज जो ये हादसा हुआ है, विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सरकार अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण खो चुकी है। जब एक जिम्मेदार कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था शटडाउन लेकर के, तो सवाल ये पैदा होता है कि बिना उससे कंफर्मेशन लिए लाइन ऑन क्यों किया गया। ये घोर लापरवाही है, एक निरसंस हत्या है। और इससे पहले भी जो अभी वहाँ लोग मरमरिंग थी, जो लोग वहाँ कह रहे थे कि विभाग का जो जेई है उसने इनको धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें उसी किसी दिन तुम खंभे पर लटके मिलोगे, तो इसमें गहरे साजिश की बुआ रही है। हमने क्षेत्र अधिकारी से और इंस्पेक्टर से भी इस विषय में बात किया है, और इतनी घोर लापरवाही कि एक सीएन को करीब 1.5 घंटे पहले हमने फ़ोन किया, विद्युत विभाग का एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं आया, लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। इंस्पेक्टर उतरौला ने मुस्तैदी दिखाई, हमने SDM से भी बात किया, तब जाके 1.5 घंटे के बाद 2-3 जवान आए जिन्होंने रस्से से उस डेड बॉडी को नीचे उतारा। विद्युत विभाग का एक एक कर्मचारी इस ज़िले की जनता को लूट रहा है, कोई विजिलेंस के नाम पर, कोई लोड के नाम पर, कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, सिर्फ इस सरकार में लूट खसोट मची हुई है। इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं, आम जन तो सुरक्षित है ही नहीं, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है, ये आज की घटना से सब साफ साबित है। इस परिवार ने जो अपना एक व्यक्ति खोया है, तो इसके परिवार की देखरेख के लिए आप लोगों की तरफ से किसी मुआवजे की मांग वगैरह की जाएगी? हमारी पार्टी, हमने अपने अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने जिलाधिकारी से बात भी कर ली होगी, सुबह एक मेमोरेंडम लेकर के जिलाध्यक्ष महोदय जाएंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा मिले, उसके परिवार के किसी जो भी बालिग हो उसको नौकरी मिले, नहीं होगा तो हम लोग 11 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बलरामपुर में, हम लोग उनको भी ज्ञापन देंगे, उनका भी उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मैटर है। एक ऐसा
जिम्मेदार अपने घर का सबसे बड़ा आदमी था, उसके ऊपर उसके बच्चे, उसके बीवी, परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी और उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इसी ग्राम सभा के प्रधान जी। प्रधान जी बताएं, क्या आज जो ये हादसा हुआ है इसमें विद्युत विभाग की ढिठाई, लापरवाही ये सामने आई है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये बहुत बड़ी मतलब साजिश है और इसको मतलब संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि बार बार कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, तो जेई फोन उठा रहे हैं। किस तरह की साजिश है ये लोग, इनका और उसका, जेई का आपस में कुछ मतभेद था, कुछ हमें लग रहा है उसी की वजह से, साजिश की वजह से इन लोगों ने किया है। जबकि एक बार इनको बीच में सस्पेंड भी करा दिया गया था। किसको? फत्ते को। अच्छा, ये मतलब संविदा कर्मी थे, 6 महीना मतलब घर पर बैठे थे, उसके बाद चुनाव आया, मतलब कुछ लोग मतलब इधर उधर से कहलवा कर फिर उनको मतलब करवा दिए, फिर उसके बाद मतलब बीच में तना तनी रहता था इन लोगों का, जेई का उनका। अब भाई बीच में क्या हुआ, हम तो यहाँ थे नहीं मौजूद, हम तो उतरौला थे, बीच में हमारे मतलब हमारे एक साथी हैं अतीउल्ला, उन्होंने फ़ोन किया कि फत्ते भाई का यहाँ पर मतलब लाइट से लटके हुए हैं, तो वहाँ से तुरंत हम भागे, पता चला कि यहाँ पर अनस्पॉट एक्सपायर हो गए। तो एक नई बात खुल के सामने आ रही है कि इनकी पुरानी कोई रंजिश थी, अब देखना ये है कि क्या वाकई में इसकी इस तरह से खोजबीन हो पाएगी, क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में हो पाएगा, या फिर क्योंकि ये कोई सामूहिक हत्या तो है नहीं, मर्डर किया नहीं गया है, एक प्लान के तहत इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको करवाया गया है, या फिर ये अचानक हुआ है। कमी जेई का है, हम तो सही कह रहे हैं, सीधा एकदम से जेई का कमी है सीधा।